निवासी परशुरामपुर सिकटिया वार्ड नंबर 14 मुगलसराय डिस्ट्रिक्ट चंदौली से हूँ। मैं अपनी बेटी की शादी बिहार के वीरेंद्र गुप्ता सन ऑफ भगवत साग के पोते के अशोक कुमार गुप्ता के साथ मैं अपनी बेटी मोनिका की शादी की थी। उनकी शादी में धूमधाम से की थी और सारे चीज़ गाना गीतो कपड़ा लाता गाड़ी सब कुछ दिए, रुपया पैसा सब दिए। उसके बाद आने के बाद ये अपने हैदराबाद फ्लैट पर निजी फ्लैट में आ गए। उसके बाद एक साल के बाद इन्होंने बेटी को बोला कि तुम अपने बाप से बोलो कि और हमको दहेज दे। उसमें 2 लाख का डिमांड किया कि हमको 2 लाख रुपये की ज़रूरत है, तुम अपने पाप पिता से मांगो। बेटी बोली हमको, हम कह बताओ अब हम कहाँ से देंगे 2 लाख रुपये। उसके बाद गाड़ी का डिमांड करने लगे, गाड़ी के बाद उसके बाद हम कहे कि हम बेटी को अपने ले जाएंगे घर, अभी ले जाएँ। ले जाने के बाद में फिर उसके बाद विदाई किए, दूसरे बार तीसरे बार हुआ, फिर उसको इसके बाद उसको टॉर्चर शुरू कर दिए लोग कि तुम नहीं लाओगी, क्यों नहीं मांग रही हो। बोले हमसे क्यों बोल रहे हैं, आप मम्मी पापा से बोलिए, हमसे क्यों बार बार बोल रहे हैं आप कि हमको पैसा चाहिए, चाहे जो भी कुछ है आप मम्मी पापा से बोलिए, मैं कहाँ से लाऊँ, हम क्यों बोलेंगे, आपको ज़रूरत है आप बोलिए उनसे। हमको बेटी बताती थी, हम कोई बोल रहे हैं बोलने दो, उनको कहना काम है करने दो, तुम अपने शांति से अपने घर में बैठी पड़े रहो। उसके बाद हम लेकर के चले गए, फिर उसके बाद लेकर के अभी लॉकडाउन लग गया, लॉकडाउन के बाद मैं घर लेके गया था अपने गांव मुगलसराय। उसके बाद विदाई करा करके 2023 में 20 फरवरी को विदाई करा के अशोक कुमार गुप्ता जी मेरी बेटी का पति ले करके अपने यहाँ हैदराबाद आए। उसके बाद उसको फिर वही चीज़ पैसे की डिमांड करने लगे और उसके बाद उसका गहना बोले कि गहना तुम अपना दो, हम अब उसका लोन लेंगे। बोले हम गहना अपना क्यों देंगे, फिर उसके बाद गहना नहीं देंगे तो बोले कि हम तब उसको बेच देंगे। बोले हम नहीं बेचने देंगे, मैं कहाँ जाऊँगी। हाँ, उसके बाद उसको टॉर्चर करना शुरू कर दिए। 15-20 दिन के बाद में एक और आया, उसमें एक यहीं लोकल से एक अफेयर का फ़ोटो कोई भेज दिया मेरी बेटी पर। वो बेटी अपने सास ससुर ननद अपने पति को दिखाई, दिखाने के बाद ये लोग कुछ नहीं बोला, बोलने के बाद में बोला कि हाँ हम कर रहे हैं वो गलत है, सही नहीं है। हम बेटी बोली कि अगर ऐसे करेंगे तो हम कैसे क्या करेंगे, हम कहाँ रहेंगे, ये सब धोखा क्यों कर रहे हैं। हाँ, तो अपने ससुर से बोली, सास से बोली कि देखिए ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं ये। हाँ, तो बोली अच्छा है, पूछते हैं। वो इसके बाद फिर आए, आने के बाद बोले कि ऐसा काम क्यों कर रहे हैं। बोला मैं करूँगा, तुमसे क्या मतलब, तुम क्या कर लोगे, तुम्हारे बाप क्या कर लेंगे, क्या कर लेंगे। हाँ, ऐसा करते करते वो लोग दिन पर दिन बढ़ते गया। एक दिन बीच में और उसके बाद उसको मार दिए लोग, मारे पीटे, तो उसके बाद FIR की पिछले महीने में। FIR करने के बाद यहीं लॉन्च हुआ, लॉन्च LB नगर में भी हुआ है, उसका फ़ोटो का भी हम अभी रखे हुए हैं। रखने के बाद फिर तब तक से ये अभी 22 तारीख को डेली उल्स के साथ ये मारपीट करते थे लोग, और 22 तारीख को फिर उसको पूरा परिवार मिल के मारने लगे। और शाम के टाइम में 5 बजे हम उससे बात हुआ, बात होने के बाद बोली पापा हमको टॉर्चर कर रहे हैं लोग, हमको मार रहे हैं पीट रहे हैं, हमको क्यों मार रहे हैं। उनके ससुर से वीरेंद्र कुमार गुप्ता से मैं बात किया, आप मोबाइल बंद करके रखे हो, क्यों बात कर, हम बात करना चाह रहे हैं, आप मोबाइल बंद करके रखें, आप घर में झगड़ा कर रहे हैं। हाँ, अपनी बेटी के ही मोबाइल, हमको मोबाइल अपने ससुर को दो, हम बात करेंगे, मोबाइल बंद किए हुए हैं, बोलो उनको मोबाइल खोलने के लिए, मोबाइल नहीं खोले। उसके बाद हम बेटी को बोले कि आप हमको अपने मोबाइल से बात कराओ, अगर नहीं खोल रहे हैं तो। उसके बाद बाप से बात कराई, अपने ससुर से बात की, हम कहीं घर में आप हैं, उसके बाद झगड़ा हो रहा है, लोग उसको मार रहे हैं पीट रहे हैं मिल करके। उसके बाद बेटी फ़ोन काट दिए, हम कहे आप मोबाइल बंद मत करिए, हमको ज़रूरत पड़ेगा हम फ़ोन पर बात कैसे करेंगे। हाँ, उसके बाद फ़ोन बंद कर दिया, और उसके बाद वो लोग मारे पीटे, यहाँ तक कि उसको एकदम ख़त्म कर दिए, जिंदगी से उठा दिए हमारी बेटी को, फांसी के फंदे पर लटका दिया। ऐसे अनुरोध करते हैं, प्रार्थना करते हैं, इसको हाई लेवल तक करवाइए और बेटी बेटी का जो है इंसाफ दिलवाइए, उसका उचित करवाइए कि 5 साल हो गया, 18 की है, एक बच्ची है 3.5 साल की, 1/3/2020 की पैदाइश है उसकी। वो पहले बिजनेस करते थे, उसके ससुर, बिजनेस अब नहीं है,
उसके पति जिस समय शादी किया उस समय मेट्रो में जॉब कर रहे थे, अब उसके बाद मेट्रो में छोड़ करके कोई और जॉब कर रहे हैं प्राइवेट में, और उसके बाद हम नहीं जानते क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तब तक से घर में सारा सिलसिला इसे चलते रहा। मैं बेटी को अभी ले गया, एक दवाई के लिए पैसा लोग नहीं देता था, मैं अपने घर से वापस उसको सारा चीज़ आज तक मैं 5 साल हो गया, एक रुमाल तक लोग नहीं खरीद के दिया, सारा चीज़ खरीद के दिए हैं। अभी मैं नतनी के लिए 2 बारी लोग आए हैं गए, नातिन छोटी सी है 3.5 साल की, मैं उसके लिए कपड़ा 4 जोड़ा मैं उसके ससुर से भेजवाया, फिर अभी मैं भेजा हूँ 2 जोड़ा कपड़ा, मखाना वखाना किसमिस सब दिए हैं। तबीयत खराब होने पर कहते थे तुम अपने पति से मांगो, पति बोलता था मैं कुछ नहीं हूँ, सास से बोलती थी तो सास बोलती हम कुछ नहीं है, ससुर कुछ नहीं है, ननद कुछ नहीं, ननद भी लड़ाई करती है, डिवोर्स दे दो ये कर दो, धमकी लोग देता था और भगाने के चक्कर में मारने पीटना ये करना सारा चीज़ ही लोग का ही था, सारे चारों परिवार का। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि मेरी बेटी का इंसाफ दिलवाए। मोहनगर कुत्तापेट ब्लॉक, मोहनगर कुत्तापेट ब्लॉक 1503/103।